स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनावी मौसम में कई नेताओं के बॉल भी बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गोंडा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ने दावा किया है कि केंद्र में सपा और बसपा की सरकार बनने पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। पंडित सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में यह दावा किया कि बसपा अध्यक्ष मायावती, प्रधानमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 से पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जुमलेबाज और झूठा बताया है। पंडित सिंह ने कहा है कि सपा बसपा गठबंधन से घबराकर भाजपा के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, जबकि वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि वो संवैधानिक तरीके से बनी हुई उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से बर्खास्त करने का दावा कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने दावा किया कि गोंडा की जनता के सहयोग से वह इस संसदीय सीट को सामंतवादियों के चंगुल से छुड़ाकर यहां विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। पंडित सिंह ने आरोप लगाया कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना और किसानों को गन्ने का बकाया का भुगतान न करा पाने के कारण भाजपा अब आतंकवाद, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान के नाम पर चुनावी दांव चल रही है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।